नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। आगरा के लक्ष्मण नगर में सनातन धर्म मंदिर पर चल रही श्रीमद् भगवत कथा में छठवें दिन कृपालु किंकर योगेंद्र जी महाराज ने सुदामा कृष्ण का प्रसंग सुनाकर श्रद्धालु का मन मोह लिया। इस अवसर पर संगीत में भजनों पर श्रद्धालुओं ने वाबरोर होकर जमकर नृत्य करा। कथा के आयोजन पर श्रद्धालु काफी खुश नजर आए। कुछ भेंट के लिए किया होगा, जब कछु भारी हमको दियो, सो तुम काहे न। सुदामा जी के पैर पहुंचे और अपने आसन पर बैठा लेकर स्वयं बगल में बैठे और सुदामा जी से पूछा कि भैया ये बताओ क्या क्या बोलोगे नहीं? अरे क्या है वे हो तो घर पे बता के आए होगे कि मित्र से मिलने जा रहे हैं। तो सुदामा ने कहा कि हाँ भैया घर पे बता के आया। साहब आज कथा का छठवां दिन है और किस तरीके का प्रसंग हो रहा सुनाया महाराज जी ने? क्या महाराज योगेंद्र किंकर जी महाराज जो है भागवत का कर रहे हैं, छठवां दिन है। आज जो है सुदामा कृष्ण का मिलन हुआ था, उस मिलन समारोह में भागवत कथा कही जा रही थी। अभी आप कथा में नृत्य कलाकार आए, बाकी कुछ कलाकार दिखाई गई। सुदामा का मिलन और कृष्ण का मिलन दिखाया गया, जिस तरीके से दिखाया गया बड़ा सहन दीपक था। कैसा लग रहा है छठवां दिन है? आज का बहुत अच्छा लग रहा है।